अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो डेफिनेटली आप एक पोकेमोन फैन हो एंड आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा सैड होने वाली है, क्योंकि पोकेमोन के तरफ से ऑफिशियली एक काफी ज्यादा बड़ी बैड न्यूज आ चुकी है जो कि यार किसी को भी नहीं पसंद आई। वेल, आप में से काफी लोगों को ये ऑलरेडी पता होगा, बट अगर आपको नहीं पता तो ऐश और पिकाचू जिनकी जर्नी पिछले 25 ईयर से चलती आ रही थी, उनकी जर्नी अब एंड होने वाली है और ये अब ऑफिशियली कन्फर्म हो चुका है। मतलब इतनी अमेजिंग जर्नी अब एंड हो चुकी है। काफी टाइम से हम सबको ऐसा लग रहा था कि ऐश की जर्नी एंड होने वाली है, पर लास्ट में कुछ वॉइस एक्टर ने ऐसा स्टेटमेंट दिया कि ऐश की जर्नी नहीं एंड होगी, जिससे पोकेमोन फैंस होप करने लगे कि ऐश जेन 9 में होने वाला है और वो पायरियर रीजन में ट्रैवल करेगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज एक प्रीव्यू आया जो कि जनरेशन 9 यानी कि पायरियर रीजन के फर्स्ट एपिसोड का था। इसको देखकर मुझे लगा कि फाइनली ऐश की जर्नी अब स्टार्ट होने वाली है, पर जैसे मैंने उस प्रीव्यू को पूरा देखा तो उसमें ऐश कैचम नहीं था एंड उसके जगह पे दो नए कैरेक्टर्स थे जिनके बारे में हमें नहीं पता है। पहले मुझे लगा कि कुछ एक अलग सीरीज स्टार्ट होने वाली है, पर इसके बाद एक और ट्रेलर आता है जहाँ पर हमें ऐश के पूरे जर्नी के कुछ ऑसम मूवमेंट्स दिखाए जाते हैं और इसके लास्ट में एक काफी ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग चीज दिखाई जाती है जहाँ पर लिखा होता है द फाइनल चैप्टर ऐश एंड पिकाचू स्टोरी। मतलब हाँ, ये ऐश और पिकाचू के जर्नी के फाइनल एपिसोड्स होने वाले हैं। इसके साथ ऐश और पिकाचू की जर्नी और स्टोरी को खत्म कर दिया जाएगा। इस सीरीज में स्पेशल 11 एपिसोड्स होने वाले हैं जो कि पूरी तरह से ऐश और पिकाचू पे फोकस्ड होंगे और ये जनवरी 13, 2023 से स्टार्ट होने वाले हैं और यही वो लास्ट एपिसोड्स होंगे जहां पर हमें ऐश कचम दिखाया जाएगा। आई होप हमें इसके बाद भी ऐश और पिकाचू दिखाया जाए, बट अब ये 90% ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि ऐश और पिकाचू पोकेमोन एनीमे लीव कर रहे हैं और ये मेरे लिए इवन आप लोगों के लिए भी काफी ज्यादा शॉकिंग होगा। लाइक हमने बचपन से ऐश और पिकाचू को ही देखा है और अब उनकी जर्नी एंड होने जा रही है। वेल, यहाँ पर पोकेमोन एनीमे तो नहीं एंड होगा, वहाँ पर कुछ नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं जो कि अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। बस यहाँ पर ऐश और पिकाचू नहीं होंगे, बट पोकेमोन एनीमे ऐश और पिकाचू के वजह से ही था, तो अगर वही नहीं रहेंगे तो पोकेमोन एनीमे में पहले जैसा मजा नहीं आएगा। तो हाँ, अब इससे ज्यादा क्या बोलूं, मैं तो काफी ज्यादा शॉक हो गया था और इमोशनल भी हो गया था ये न्यूज सुनकर। आपका इस पे क्या रिएक्शन है कमेंट्स में जरूर बताना एंड यार वीडियो यहीं पे एंड करते हैं।